सुशांत किशोर हमेशा से ही तेजस्वी यादव पर बयान देते रहे हैं। तेजस्वी यादव को अक्सर अपने बयानों में नवी फेल बताने वाले प्रशांत किशोर ये भी कहते रहे हैं कि माता पिता दोनों सीएम रहे लेकिन तेजस्वी यादव मैट्रिक नहीं कर सके। अब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को अभिषेक बच्चन कहा है, जबकि खुद के लिए प्रशांत किशोर ने शाहरुख खान का उदाहरण बताया है। बिहार में अचानक बॉलीवुड के चेहरों के नाम को लेकर भी प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीति आगे कर दी है। दरअसल जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन का उदाहरण देते हुए राजद में चल रहे परिवारवाद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की भी पहचान सिर्फ ये है कि वो लालू जी के बेटे हैं। जिस तरीके से अभिषेक बच्चन की पहचान यही है कि वे अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि शाहरुख खान ने सबसे पहले टीवी के फौजी और सर्कस सीरियल में काम करके अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से स्वयं के लिए अपना रास्ता बनाया। जब उन्होंने शुरुआत की तब अभिषेक बच्चन की तरह उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनको शुरुआत में जिस तरह का भी काम मिला उसको उन्होंने चुना और उसमें अपनी काबिलियत के दम पर अपना नाम बनाया। आपको एक उदाहरण दे के बता रहा हूँ। शाहरुख खान का नाम आप सुने होंगे। शाहरुख खान को जब हीरो बनना था तो उन्होंने अपना करियर का शुरुआत किया। टीवी पर एक सीरियल आता था फौजी सर्कस, दो सीरियल आता था, एक फौजी एक सर्कस। टीवी में सीरियल में काम किए, थोड़ी सफलता मिल गई तो बॉम्बे गए, वहां पर पिक्चर साइन किए। तो पिक्चर साइन किसका किए? जिस आदमी ने भी काम का उनको ऑफर दिया होगा, जो पिक्चर मिली उसको साइन किया, उसमें काम किया। दो चार पिक्चर हिट हो गई तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम रोमांटिक अपने तरीके का पिक्चर बनाएंगे। वो सब पिक्चर भी हिट हो गया तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम खाली यश जौहर और यश चोपड़ा और करण जौहर का ही पिक्चर बनाएंगे। वो पिक्चर और हिट हो गया, आप मेगा स्टार हो गए। तो अब शाहरुख खान ये कह रहे हैं नहीं, हम 3 बरस में खाली अपने पसंद के स्क्रिप्ट पर ही काम करेंगे। अब इसकी तुलना आप कर लीजिए अभिषेक बच्चन से। पहले सुन लीजिए, इतना आतुर मत होइए। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के लड़के हैं। तो पहले दिन उन्होंने कहा कि हमको अब एक्टर बनना है, तो जेपी दत्ता जब पिक्चर बनाएंगे तब हम एक्टर बनेंगे। मेरे भाई, क्योंकि शाहरुख खान के बाबूजी अमिताभ बच्चन नहीं है। अगर आपके बाबूजी इतने बड़े आदमी नहीं है तो आपको अपना रास्ता, अपनी पहचान खुद से ही बनानी है। तेजस्वी यादव को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान है कि लालू जी के लड़के हैं। और हम अगर आएंगे कहेंगे हम प्रशांत किशोर है तो हमको यहाँ रास्ता में कौन पहचानेगा। लेकिन जब लोग बताएगा कि ये वही प्रशांत किशोर है जो सरकार बनाते बिगाड़ते हैं, तब लोग ध्यान से सुनेगा। तो जो आदमी भी अपने दम पर आगे बढ़ा है उसका रास्ता आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, लेकिन तय आपको करना है कि जो बाबूजी के नाम पर आगे बढ़ा है उसके वो उसमें आपका भरोसा है कि जिसने अपनी बुद्धि अपनी ताकत से अपनी जगह बनाई है उसमें आपका भरोसा है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बॉलीवुड में कई वर्षों तक काम करने के बाद और कई सुपरहिट मूवीज देने के बाद शाहरुख ने अपनी पसंद के डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस और स्क्रिप्ट को चुनना शुरू किया, जबकि अभिषेक बच्चन की पहचान ये है कि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, इसलिए उनको हमेशा से अपनी पसंद का काम चुनने का मौका मिला। उसी तरह तेजस्वी की भी पहचान सिर्फ यही है कि वो लालू जी के बेटे हैं। तेजस्वी को तो GDP और GDP विकास दर में भी फर्क नहीं पता, और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि ज्ञान और बुद्धि की धरती पर हमने अनपढ़ और बदमाश लोगों को अपना नेता बना रखा है। खुद के लिए शाहरुख खान का उदाहरण देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरह से शाहरुख खान ने बॉलीवुड में अपना रास्ता और अपनी पहचान खुद बनाई, उसी तरह राजनीति में प्रशांत किशोर ने अपनी पहचान खुद बनाई है, इसलिए हमारा रास्ता सीधा नहीं है। अब जनता को तय करना है कि उनको भरोसा उन पर करना है जिसने अपनी बुद्धि और मेहनत से अपने लिए रास्ता बनाया है, या उन पर जो अपने बापूजी के नाम से आगे बढ़े हैं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।